तो हो गई है हम लोगों के खाना बनाने की तैयारी शुरू। तो फिर खाना हो गया है रेडी, खाने में है आज इतनी सारी चीजें। तो मम्मी भी हो गई है आज रेडी, साड़ी पहन के आज तो भाई ऐसे अवसर। सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम लोगों ने कल भी दे दी थी और अभी मेरी तैयारी हो रही है मंदिर जाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पापा आने वाले हैं, पापा आधे रास्ते में हैं, तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि हम मंदिर से होके आ जाएं। और वैसे मैं तैयार हो गई थी लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि ये काले कपड़े मत पहन, मतलब बिल्कुल भी एक अंश भी हमारे घर वालों, भले हम ऑफिसर्स होते हैं, काले कपड़ों से हमें बहुत पसंद है लेकिन हमारे घर वालों को ऐसा लगता है कि काला बेकार है, तो इसलिए ये मत पहनो। तो इसलिए मैं चेंज करने वाली हूँ कि मंदिर जाने के लिए नहीं पहनना है, तो इसलिए देख लेती हूँ कोई दूसरे। और ये है मेरे रेगुलर कपड़े और इनमें आप देख रहे होंगे ज्यादातर ब्लैक और ब्राउन ही है क्योंकि वही मेरा फेवरेट कलर है। तो फिर कपड़े मैंने वही पहने हुए हैं, बाहर से सिर्फ ये चेंज कर दिया, अब काला नहीं दिख रहा। तो उनकी तरफ से, घर वालों की तरफ से बस रंग वैसा नहीं होना चाहिए, बाकी उनकी तरफ से कैसे भी दिखो। हम लोग सोच रहे थे कि हमने काफी देर कर दी जाने में लेकिन अब मैं बाहर आई तो देखा कि यहाँ पे कई लोग अभी जा ही रहे हैं मंदिर। तो मम्मी भी हो गई है आज रेडी, साड़ी पहन के आज तो वही ऐसे अवसर पे मम्मी ने साड़ी पहनी। क्या कर रही है? खुला तो लिफाफों से पैसे निकाल रही है, कहाँ से आए लिफाफे इतने सारे? तो यहाँ पे रख चुके हैं हम लोग मंदिर के लिए कुछ सामान, ये आटा वगैरह और ये उसमें दूध है, पानी हम लोग घर से ही लेके जा रहे हैं। घर से पानी ले जाना चाहिए, घर की अला बला या फिर जो भी चीजें जाती है उधर। आज मम्मी को पिन लगानी थी, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा सुन तू अखरोट पे लगा रही, जहाँ अखरोट होंगे वहाँ मिलेगी पिन। वही पाँच अखरोट सब्जी मुझे शर्म नहीं कर, जब आधा पहन तो आधा जल जाए कर, आप नहीं कर शर्म। आज बहुत टाइम बाद मम्मी साड़ी पहन रही है तो ये देख लीजिए आप मम्मी का आउटफिट ऑफ द डे, ये देखिए। और मैं तो मम्मी को बोल भी नहीं सकती कि मेरा भी शॉट ले ले, मेरा भी आउटफिट दिखा दे। मम्मी कैमरे के आगे से इतनी लंबी उंगली लगा देगी तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। ट्रेनिंग पड़ी, मैं कैमरा पकड़ने हमने सोचा था हम लोग इतनी देर में जा रहे हैं, अब तक तो भीड़ खत्म हो गई होगी लेकिन यहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई है। मम्मी हम कुछ अलग नहीं है, हमारी तरह कई लोग हैं यहाँ। मैं आ गई थी, तुम लोग कब आए? अच्छा, तो यहाँ अंदर भी आज बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, बताओ इतनी भीड़ मैंने इससे पहले यहाँ मंदिर की मैं देखी नहीं है। फिर यहाँ पे आईटीबीपी की तरफ से प्रसाद और चाय वगैरह भी बांटे जा रहे हैं, तो प्रसाद तो मैं अभी खा नहीं सकती क्योंकि पूजा नहीं की, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। हमें लगा कि यहाँ अंदर का मंदिरों का भीड़ नहीं होगी लेकिन भीड़ है, तब तक मैं चाय पी रही हूँ। पूजा हम लोगों की हो चुकी है और काफी सारी भीड़ थी आज, और सबसे बड़ी बात यह है कि पापा हम लोगों से पहले घर पहुंच गए। हमें लगा कि हम लोग पहुंच जाएंगे लेकिन पापा हम लोगों से जल्दी पहुंच गए। सब मम्मी की गलती है, मम्मी बहुत लेट पेट करती है। मम्मी गलती क्या तो पापा है, गलती से जो आ जाए ये तो प्यारे और तो ये बोल और तो आते ही भीड़ में हम क्या कर सकते, हम भी मजबूर था। पापा वो भी सुबह बड़े हुए थे, खान पान बड़ा होते है। मैंने कहा मम्मी आज की वीडियो पे ना व्यूज कम आ रहे हैं, तो मम्मी कह रही अरे अब आएंगे। अरे व्यूअर तो मैं वहाँ मंदिर में खड़ा जैसे हम लोग हम मैं ही नहीं देख पाई हूँ, मैं तो नहीं आज पता। और वो मैं सुबह ये बात मैं सुबह बोली छू क्या कि आज 12 बजे बाहर डाल। हाँ, पर मैंने कहा एक टाइम सेट है तो मैंने कहा इस टाइम पे डाल देती हूँ। मैं वहाँ सामान ले रही, मम्मी भाग गई। सुन पहले तो मम्मी जब हम लोग जा रहे थे ना, मम्मी जा ही नहीं रही थी, मतलब जा ही नहीं रही थी ना, निकल नहीं रही थी घर से बाहर। अभी पापा आ रखे थे, भाग रही है। मेरा सोना सजन घर आया, वो भोले बाबा ना। हाँ, ये दूसरा नंबर सेकंड भोले बाबा। मम्मी मुझे कह रही थी कि सोमवार के व्रत ले ले फिर भोले जैसे पति मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कम हूँ अपने जीवन में तांडव करने के लिए। मम्मी को मिल रखे भोले जैसे पति। हाँ, मम्मी कह रही थी कि हमने बहुत सारे व्रत लिए, बता दे खुद ही। बर्तन लीने ना सोमारा व्रत, लेकिन ये कामना से नहीं लीन वो अपना, लेकिन कामना नहीं रखन भगवान पता कर तो तुम के चीजें काम से कैसे तुम। अब बात है भी नहीं होनी बोलने का मन भी पहले, आज तो मेरे अंदर थोड़ा सा है ताकत। अब तो जवाब दी, शरीर ने जवाब दे दिया, दिल खाए। अभी तक तो हम लोग 8-10 रोटी दबा देते थे। चलो मम्मी आगे जाओ। मेरा सोना सजन घर आया।
आवाज नहीं ना आयो ये ये चलो मम्मी सुन मम्मी हमारे लिए चाय भी तैयार हो रखी है देखो अच्छा मम्मी को ठीक खाने की उम्मीद की पापा खाना बना रहे होंगे लेकिन चाय तो कम से कम छुट्टी कागज दिखा कर दिन हजबेंड पाँच दिन से ज्यादा मेल कत्तू कचार इंसान कर रही है और ये मैं खा रही हूँ चाय में मखाने डाल के थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। तो हो गई है हम लोगों के खाना बनाने की तैयारी शुरू और ये चूल्हे में सबसे पहले चल गया है पालक, ये है शकरकंदी, ये है मम्मी गैस ऑन कर दे इसलिए क्या है मम्मी ये तेड़ू है और उसमें क्या है अरबी और ये मैंने कद्दू रखा हुआ है रायता बनाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि मार्केट से क्या दही लानी है, यहाँ पे दही इसमें नींबू डाला हुआ है, थोड़ा सा दही डाली हुई है दही बनाने के लिए। कल ही मैंने आप लोगों को कहा था कि घर के काम की कभी छुट्टी नहीं होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान आराम करे, लेकिन आज था, आज हम लोगों का फास्ट था, लेकिन क्या करे आज भी 3 बजे से खाना बनाना स्टार्ट हो गया। पूरे दिन भर का एक कहते गढ़वाली में पूरे दिन भर का ग्योल निकल गया, मतलब कि जो खाना नहीं बनाया है वो आज एक साथ बन रहा है, 3 बजे से तैयारी हो गई है, तब जाके 7-8 बजे खाना खा पाएंगे। अभी तो वैसे बहुत ज्यादा टाइम है खाना बनने में, लेकिन मैंने कहा एनर्जी का क्या भरोसा, अभी थोड़ा सा एनर्जी आ रखी है तो मैंने कहा भून लेती हूँ आटा। अचानक ऐसा हो गया कि अरे सर घूमने लग गया, तो मैंने कहा इतनी सारी चीजें कैसे बनानी है, इसलिए मैं आटा गूंद के रख रही हूँ। तो हम लोगों को तो व्रत है, लेकिन पापा के लिए हमने थोड़ा जल्दीबाजी में एक दो चीज, पापा ने वैसे खुद ही बनाई लेकिन हमने भी थोड़ा बहुत मदद कर दी। ये कल मैंने अंगूर की चटनी बनाई। हाँ पापा दूर से आए ना तो व्रत रख नहीं सकते थे। मैं मम्मी अब पापा मुकर तो हाँ हाँ अब पापा फिर खाना काम सब्जी भात पसंद। अच्छा ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट है ये पापा, ये हरी सब्जी और चावल पापा की पसंद का है। सरकारी में हरी सब्जी नहीं मिलती ना, वहाँ अधिकतर वहाँ दाल 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 मिलती है। अच्छा सब्जी एक सेकंड काम है बस। मम्मी धनिया डाल दे। तो हम लोगों को ये पिंड आलू भी रेडी हो गए हैं और ये देखिए धनिया इतना बारीक हो रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका संकेत क्या है, हम नहीं भी बताते तभी आपको पता चल जाता कि पापा आ रखे हैं। हाँ उनको पता होगा कि ये चीज भाई इतना मैं डालूं मैं किसी और चीज में भी डालेंगे। हम लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं और पापा कर रहे हैं छोटे मोटे काम, और ज्यादा बारीक काम पापा ही कर रहे हैं। रायता बना ना रायता ये। अच्छा तो आज कद्दू का रायता बनेगा। थोड़ा देर में तो फिर पूजा हो गई है शाम की शुरू और ये सारा प्रसाद में जाएगा। सबसे पहले भगवान जी के लिए हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह जो भी हमने मीठे में बना रखा है, रायता और ये सारी चीजें भगवान के प्रसाद के लिए है। ये मामृता ओ ओ मम्मी ये कम धन सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुखे मामृता दिखावा विकट रूप नीलांभुज श्याम मलकोमलायम सीता समारोपित वाम भागम चपिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामी।